नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं लवली जान। आवास सहायक ने दरभंगा में मुख्यमंत्री आगमन को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर किया बैठक। कोई क्या निर्णय लिया गया? बिल्कुल, आज जिला ग्रामीण आवास सेवा संघ दरभंगा की तरफ से दरभंगा जिला के तमाम प्रखंड अध्यक्षों का एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन को लेकर जो रूपरेखा हम लोगों ने तय किया है, उस रूपरेखा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यह बैठक रखा गया है। आपने देखा होगा कि जो संविदा कर्मी के साथ इस राज्य में हो रहा है, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ। अभी अभी आप देख रहे थे कि 80,000 स्वास्थ्य कर्मी जो कि संविदा के आधार पर कार्यरत थे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आया था कि उन्हें त्वरित बर्खास्त कर दे। क्या भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? जो अभी भी कोई व्यक्ति हिटलर शाही से कहता है कि उन्हें बर्खास्त कर दो, उन्हें रख लो, हमें भारत के संविधान के द्वारा यह नौकरी दिया गया है, इस संविधान को हम मानते हैं और इस संविधान के तहत हम भी बिहार सरकार के एक कर्मी हैं। और मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ, इस हिटलर शाही मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि संविदा रहित बिहार को मुक्त करते हुए सभी को नियमित वेतनमान में लाने का कृपा करें। आप लोग कुछ करने जा रहे हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा आ रहे हैं, उन जब वो पहुँचेंगे दरभंगा, हम लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे। एक मानव श्रृंखला हमारा बनेगा जो माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे, और सभी साथी के हाथ में एक फूल का माला होगा जो माननीय मुख्यमंत्री को पहनाया जाएगा, जिससे उन्हें एहसास लगे कि यह मानव श्रृंखला संविदा कर्मी को कहीं न कहीं दर्द पहुंचा रहा है। दरभंगा जिला के जुए के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस ने जब्त किया भारी मात्रा में अवैध शराब। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में दरभंगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध ढंग से जुआ खिलवाया जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भीगो मोहल्ले निवासी विशन शाह के घर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को आते देख सभी जुआरी मौके से फरार हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से भारी मात्रा में बियर और विदेशी शराब की बोतल बरामद किए, लेकिन विशन शाह पुलिस को आते देख घर से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरभंगा जिले में सीनियर एसपी साहब के निर्देश पर एक विशेष अभियान शराबबंदी पर के खिलाफ चल रहा है। इसी बीच सूचना मिली थी कि लहरियासराय थाना अंतर्गत भीगो मोहल्ले में अवैध लॉटरी का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना पर वहां छापामारी किया गया तो लॉटरी धंधेबाज तो फरार हो गया, लेकिन उसके घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ। मधुबनी में मुख्यमंत्री के विकास समीक्षा यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर है, पूरा प्रशासनिक अमला तैयारी में जुटा हुआ है। मधुबनी जिले में मुख्यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर है, पूरा प्रशासनिक अमला अधिकारी तैयारी में जुट चुके हैं। डीएम और एसपी की जिले के अधिकारियों के साथ प्रतिदिन बेनीपट्टी के धकजरी उच्च विद्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आम सभा को लेकर विद्यालय को मधुबनी पेंटिंग से सजाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन के सभी विभाग विकास कार्यों का आकरा दुरुस्त करवाने में लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के लिए सभा स्थल को बम निरोधक दस्ते के द्वारा मेटल डिटेक्टर से अभी से ही जांच किया जा रहा है। सभा स्थल से लेकर हेलीपैड तक की अभी से ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा को लेकर मधुबनी जिले के दौरा पर आ रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार धनजरी उच्च विद्यालय के मैदान में आम सभा भी करेंगे। आम सभा में आम जनता और कार्यकर्ता से अधिक भागीदारी को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता भी अपनी जोर शोर से मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुट चुके हैं।
कल्याणकारी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित अपने कार्यों का समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो आम जनों तक विकास कितना पहुंचा है। लेकिन हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता हजारों के हजार संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर अपने नेता का हौसला अफजाई करेंगे, उनके विकास का जो आम लोगों तक पहुँचाने का काम है उन तक पहुँचाएंगे कि आपका विकास आम लोगों तक पहुँचा है। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे प्रोग्राम है, हम लोग उसकी सुरक्षा व्यवस्था साथ ही साथ जो जहाँ उनको गांव में भ्रमण करना है, कुछ उद्घाटन करने हैं, वो सारे वेन्यू पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्था अभी बची हुई है। इंस्ट्रक्शन पहले से दिए गए हैं और लगभग काम बिल्कुल प्रगति पे है, ख़त्म होने वाला है। अब हम लोग अपना सिक्योरिटी वगैरह का कल क्योंकि रिहर्सल हम लोग रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे किसको प्रतिनिधित्व करना है, किसको क्या ब्रीफिंग करना है, तो कल ब्रीफिंग और रिहर्सल होगी, उसके बाद हम लोग तैयार रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को बिहार पंचायत नगर प्रारंभ शिक्षक संघ बहादुरपुर प्रखंड इकाई के द्वारा चल रहे कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर अनशनकारी ने बुधवार को विभागीय लेटर को जलाया। किन क्या चीज़ का आज ये जो है अध्यक्ष जलाया है? ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश था, जिस आदेश को ये नियोजित शिक्षकों ने जो है सो धनराशि जितने हमारे थे वो जलाए हैं। इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है और यह आदेश नहीं, भुगतान का आदेश नहीं था, इनको फिर ठगने का जो है यह षड्यंत्र था, जिसको आज जो है सभी शिक्षकों ने फेल किया है। हमारी मांग है कि सभी शिक्षकों का जो है वेतन भुगतान लंबी जितनी है वो सभी एक मुश्त करें। इससे पहले भी एक मांग की, आपकी मांग पूरी हुई थी, क्या कारण हुआ जो भी नहीं पूरा हो पाया? पहले भी हम लोगों को अनशन पर बैठाया गया था, हम लोग बैठे थे कितना दिन और लगभग जो है 18 तारीख को जो है सो हमारा अनशन जो है सो समाप्त हुआ था और हम लोग जो है सो लगभग 6 दिन रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आश्वासन के बाद, जिला पदाधिकारी के आश्वासन के बाद हम लोगों ने अनशन तोड़ा था और कहा गया था कि 23 तारीख तक जो है 25-10 तक हम भुगतान कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं। थक हार कर हम लोग जब बैठे तो आज फिर ये जो है एक नया षड्यंत्र रचे और एक चिट्ठी थमा के चले गए, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आज जो है सो इस धरना स्थल से कहना चाहते हैं कि अभी भी आप अपनी मनसा को साफ कीजिए और नियोजित शिक्षक के आप मसीहा हैं, आप इनका भुगतान कीजिए। अच्छा, आपके जो धरना पे अनशन पे जो बैठे हुए हैं, एक की हालत ख़राब है, क्या स्थिति है उसका बताइए ज़रा। हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष है गजेंद्र कुमार ठाकुर जी, उनकी हालत जो है सोरात में बिगड़ चुकी थी। हमने जिला पदाधिकारी को फ़ोन किया, उनके द्वारा एम्बुलेंस मुहैया करा गया और आज जो है वो DMCH में भर्ती है, जिनकी हालत जो है बहुत नाजुक है। एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और इसी सीढ़ी से जो है सो धरना स्थल पर ही गिर गई और आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। ये निकम्मी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिसके कारण आज शिक्षक की ये दशा है। अगर उसके साथ कुछ होता है अगर, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? इसके जिम्मेदार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिला पदाधिकारी होंगे। और निश्चित तौर पर अनशनकारी एक भी शिक्षक का अगर रुआं भगन हुआ तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से लेकर पूरे दरभंगा जिला के शिक्षा व्यवस्था को ठप कर देंगे। और इस बार जो है सो आर पार की लड़ाई होगी, वेतन से कम नहीं होगा। और निश्चित तौर पर अगर ये वेतन नहीं दे सकते हैं तो आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ यह मांग करती है कि इन लोगों को स्वेच्छा जो है मृत्यु जो है सो का आदेश दिया जाए, ताकि हम सभी शिक्षक एक साथ अपना जो है मर्जी से यहाँ जो है प्राण त्याग करेंगे। आपके जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, क्या
उनके लिए क्या उनको कुछ कहेंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है स्वेच्छा मृत्यु के लिए, और इसके लिए जो है हम उनके सामने में जाएंगे और उनसे यह आदेश मांग करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग जो है सो उनके पास जाएंगे और इन सारी बातों को रखेंगे, और स्वेच्छा जो है स्वेच्छा मृत्यु की जो बात है वो हम उनसे आदेश लेंगे और एक साथ हम सभी इसी धरना स्थल पर प्राण का त्याग करेंगे। सौरभ सिंह, जिला सचिव, दरभंगा, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में रैगिंग पैटर्न को लेकर MCI के नए निर्देश के बाद उन 61 छात्राओं को राहत मिला जिन पर MCI के निर्देश पर अब तक वर्ग संचालन से मुक्त कर दिया था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में रैगिंग प्रकरण को लेकर MCI के नए निर्देश के बाद उन 61 छात्राओं को राहत मिली है जिन पर MCI के निर्देश पर अब तक वर्ग संचालन से मुक्त कर दिया था। MCI ने अपने नए फरमान में छात्राओं को राहत देते हुए सभी छात्राओं का कक्षा शुरू करने का निर्देश दिया है। एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य BK सिंह ने कहा कि MCI के संयुक्त सचिव राजेंद्र वागले से वार्ता के बाद प्राचार्य ने पत्र जारी करते हुए तत्काल कक्षा शुरू करने की अनुमति छात्राओं को दे दी है। आपको बताते चलूं कि नए बैच की एक छात्रा ने सीनियर बैच की छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगाते हुए MCI को पत्र लिखते हुए शिकायत की थी कि हॉस्टल में रोज रात सीनियर छात्राएं जूनियर छात्र के साथ अमानवीय टिप्पणी और मारपीट करती है जिससे जूनियर छात्राएं मानसिक तनाव में रहती है। पत्र को MCI ने गंभीरता से लिया और MCI ने 16 नवंबर को DMCH के प्राचार्य को पत्र लिखकर कमेटी से मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसपे DMCH के प्राचार्य डॉक्टर RK सिन्हा ने एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों से मामले की जांच करवाई और कमेटी ने प्रथम व तृतीय सत्र की छात्राओं को प्राचार्य कक्ष से बुलाकर घंटों पूछताछ की जिसमें सभी छात्राओं ने रैगिंग की घटना से इनकार किया था, जिसपे कमेटी ने दोनों सत्र की सभी छात्राओं को माना दोषी मानते हुए प्रथम आरोपित तृतीय सत्र की 61 छात्राओं पर सामूहिक जुर्माना लगाते हुए तय सीमा के अंदर रुपया जमा नहीं करने के कारण 61 छात्राओं को वर्ग संचालन मुक्त कर दिया था। MCI को सूचित किया गया था कि जानकारी मिल नहीं रही है कि किसने रैगिंग किया, तो इसलिए उसका जो नियम के तहत उसको किया गया कि दोनों बैच के लड़कियों को डिबार किया गया कि यही है 25,000 रुपया फाइन दीजिए, नहीं फाइन दीजिएगा तो क्लास से आप लोग को हम डिबार करेंगे। जो नियम है पैसा ये लोग ड्यू डेट पर जमा नहीं किया, उसका प्रिंसिपल साहब ने चिट्ठी दिया कि अब आप क्लास नहीं कर सकते हैं एज पर रेगुलेशन। तो कोई लड़का तो लड़की क्लास नहीं कर रही थी, उसके सपोर्ट में लड़के भी क्लास नहीं कर रहे थे, तो अब ये हो गया समस्या कि अगर क्लास नहीं करेंगे तो 6 महीना पीछे छूटने का माने इंटायर बैच 6 महीना पीछे छूट जाएगा इसके दूसरे कॉलेजेस से भी। लेकिन हम लोग की लाचारी थी, हम लोग तो कमिटेड थे जो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसी के हिसाब से। अब आज प्रिंसिपल साहब का चिट्ठी आया है कि MCI का कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, उन्होंने इंटरवीन किया है इसमें, उन्होंने अलाउ किया है कि अभी लड़कों को क्लास करने दिया जाए, लड़कियों को क्लास करने दिया जाए, और यहाँ से जो और आगे जो डायरेक्टिव होगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबरें अभी और भी हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर RS से NH 57 से मिलने वाले मुख्य सड़क को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर घंटों जाम कर दिया। आगजनी एवं नारेबाजी की इस जाम से झंझारपुर कोट, झंझारपुर अनुमंडल एवं NH 57 जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही स्कूल से वापस जा रहे बच्चे को भी जाम का सामना करना पड़ा। काफी समय बाद मीडिया में खबर आने के बाद आश्वासन के बाद जाम हटवाया गया। ABV के संयोजक अखिलेश झा ने बताया कि झंझारपुर में अवैध निजी नर्सिंग होम, निजी स्कूल को जांच कर कार्रवाई की जाए। जाम किया है इस क्षेत्र के झंझारपुर मंडल के विभिन्न मांगों के द्वारा। DM साहब, SDO साहब को भी मांग पत्र इससे पहले सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र में जिस तरह से लापरवाही, निजी नर्सिंग होम जो गैर लाइसेंसी है उसे अभी तक बंद नहीं किया गया,
गैर लाइसेंसी जो है निजी स्कूल है उसे अभी प्राइवेट निजी स्कूल को बंद किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद की ऐसे ही कार्यक्रम उग्र आंदोलन होता रहेगा। दूसरी बात है कि आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लखनऊ थाना के कर्मचारी के पी राय से मिलने पहुंचे तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस प्रशासन आला कमान से विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि उन्हें अविलंब बर्खास्त करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद का ऐसा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो आप जान किया इसका कोई सूचना अधिकारी को दिया? देखिए पहले से ही दिया हुआ है कि आप इन सभी मांगों को अविलंब निपटाएं, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। तो हमें नहीं लगता है कि जब पहले ही हम दर्शा दिए हैं, उनको टाइम दिया गया, उनके द्वारा नहीं किया गया तो आज जाम किया गया। पंद्रह दिसंबर के दिन सीएम नीतीश कुमार को आने देखते हुए शिक्षा विभाग के जिले के हर वर्ग के बच्चों को पुस्तक उपलब्ध करा दिया गया, जबकि वार्षिक परीक्षा में मात्र 3 महीने बाकी है। इससे शिक्षा विभाग ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। अब सवाल यह उठता है कि 3 महीने में छात्र क्या सीख पाएंगे और वार्षिक परीक्षा में क्या लिख पाएंगे। यह गंभीर मामला है। शिक्षा विभाग साल के अंत में क्यों पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हैं? इससे पहले टेस्ट परीक्षा में बिना पुस्तक के ही छात्राओं ने भाग लिया था और क्या लिखा होगा परीक्षा में यह आप खुद समझ सकते हैं। बुधवार को मधुबनी जिले के बासुपट्टी प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तक उपलब्ध करवाया गया। इस मामले में जब वीडियो से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि हम अच्छे से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बता सकते हैं। सर अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं धगजड़ी गांव में और अभी किताब आए हैं विद्यालय के लिए, क्या माना जा सकता है? देखिए विद्यालय के लिए किताब अभी जो किताबें आ रही हैं यह तो सरकार के द्वारा जब भेजी जाती है तो फिर जिला में आता है, जिला से फिर यहां आता है। यह हम लोग यहां से वितरण कराएंगे, अभी हमारे पास यहां रिसीव हो रहा है। तो यह प्रक्रिया तो इसके बारे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेहतर बता सकते हैं आपको, इसके बारे में कोई लिखित हमारे पास सूचना नहीं है क्या है। वो तो BRC में आ रहा है किताब, तो किताबें आती रहती हैं, बीच बीच में छप के आती हैं, जो कि वहाँ से सरकारी प्रेस से छप के आती हैं। तो ये जिला में आई होगी, जिला से यहाँ भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका प्रस्तावित है। मधुबनी जिले के नगर थाना के कोतवाली चौक में भीषण आग लगने से 20 घर जलकर राख हो गई, वहीं लगभग 2 लाख की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अपने अन्य पदाधिकारी के साथ पहुंचकर जायजा लिया और हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। मालूम हो कि दोमढ़ा में आगजनी से 12 माल मवेशी की जान चली गई, वहीं 4 महिला भयभीत होकर बेहोश हो गई, जिनकी इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रही है। बेहोशी हालात में इंदु देवी, शीला देवी, सुनबती देवी एवं सीता देवी शामिल है। घटनास्थल पर रहकर अंचल अधिकारी राजीव रंजन एवं पंडोल थाना प्रभारी सुरेंद्र पासवान कैंप कर रहे हैं। मधुबनी समर नाले के सामने भारतीय मित्र पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। कहा बिहार में चक्का जाम करेंगे अगर सरकार चीनी मिल और लोगों को रोजगार नहीं दिए तो। यार सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो सारी सुविधाएं हम देते हैं, कभी ऑक्सीजन के लिए बच्चा मरता है, कभी बुजुर्ग के पास पैसे नहीं होता है तो बाहर से दवाई उसको लड़ करके देना पड़ता है, तो क्या व्यवस्था है? उनको भेज देते हैं शौचालय की, सब रोड पे जो करते हैं उसकी देखरेख में, जनगणना कार्य में लगा देते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ भारतीय मित्र पार्टी के जरिए जिस काम के अधिकारी हैं उन्हीं काम में उनको लगावें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमारे स्कूल के बच्चे कभी एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते हैं क्योंकि कभी शिक्षक की कमी रहती है तो कभी किसी काम में लगा देते हैं। यही मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गरीब मजदूर किसान इन सबकी समस्या दूर हो सकती है और
उनका शैक्षणिक सामान सार्वजनिक आर्थिक मानसिक सभी समस्याएं दूर हो सकता है। इस पर सरकार अविलंब ध्यान किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो जीवन यापन का एकमात्र साधन था, तीनों चीनी मिल बंद बंद चीनी मिल के यथाशीघ्र अगर इकरा एकेडमी पब्लिक स्कूल द्वारा खेल उत्सव का आयोजन मिलन कॉलेज के मैदान में किया। Thank you.
साथ साथ जो आज मिलन कॉलेज के इस मैदान में मुनाकिद किया गया है, इस मौके पर आए हुए मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी कोशिश और साजिशों के बदौलत आज मसूर उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सदर के अहदे पे चुनकर आए हैं और उन्होंने दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। और साथ साथ आप तमाम बच्चों को हम लोग बता दें कि मसूर उस्मानी की तालीम बुनियादी तालीम इसी एग्रा अकेडमी से हुई है जो एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट है एग्रा अकेडमी के लिए। इस मौके पे तमाम बच्चों से हम ये गुजारिश करेंगे और डैश पर बैठे उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे और उस्मानी साहब का एक बार अपने तालियों से स्वागत करें। वो बहुत ही अच्छा है। इस एमएम मंडल के बारे में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बुनियादी तालीम के साथ साथ जो भी तालीम दी जा रही है, अंग्रेजी तालीम दी जा रही है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उर्दू और दुनिया की तालीम दी जा रही है, इसलिए सेक्रेटरी साहब इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। आज के इस माती दौर के अंदर जब उर्दू का नाम निशान निकला है, कलमा और हदीस के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं, इस्लाम क्या है उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, ऐसे मौके पे एक ये स्कूल जब इतना बड़ा परिचय अंजाम दे रहा है कि बच्चों को कलमा हदीस कुरान के साथ साथ बुनियादी जो असूलात है, इस्लामी असूलियात है, इस्लामी रूल्स है, इस्लामी कानून है और पर्दे का जो असूल है उसको इस स्कूल ने अपनाया है, इसके लिए मैं एक बार फिर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। एकरा एकेडमी एंड एकरा किड्स एकेडमी के बैनर के अंतर्गत एक विंटर कार्निवाल 2017 ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेंट हैं। इसमें बहुत सारा इवेंट्स है, टोटल नर्सरी से क्लास टू तक के बच्चों के लिए टॉफ़ी रेस, बैलून रेस, बकेट रेस, क्लास थ्री और फाइव के बॉयज़ के लिए क्रिकेट, मैथ रेस और 100 मीटर रेस, क्लास सिक्स टू टेंथ बॉयज़ क्रिकेट, कबड्डी, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड टग एंड वार, क्लास थ्री टू फाइव गर्ल्स स्पून रेस, निडिल रेस, 100 मीटर रेस, क्लास सिक्स टू टेंथ गर्ल्स म्यूजिकल चेयर, निडिल रेस, स्पून रेस। ये आज का इवेंट्स है, ये दो तीन दिन तक चलेगा, 16 तारीख को इसका समापन होगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से अभी सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट आएंगे वो ये मशाल जला के इस खेल का उद्घाटन करेंगे। हैं डॉक्टर रहमतुल्ला, प्रिंसिपल मिल्लत कॉलेज, मोहम्मद मुमताज़ आलम एडवोकेट, एक्स डिप्टी मेयर, अलाउद्दीन हैदर वारसी, एक्स प्रिंसिपल सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, मोहम्मद अमानुल्ला खान अल्लन, ऑन अहमद उस्मानी और इंजीनियर अब्दुल्ला, वार्ड काउंसलर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन लोगों की दुआओं के तोफ़ैल में आज का ये प्रोग्राम होना है। थैंक यू। सी टीवी मिथिला के पूरे टीम के साथ मैं लवली जाबिदा लेती हूँ, नमस्कार। धर्मेंद्र वीडियो कैमरा एंड वीडियो मिक्सिंग लैब, पता बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा, यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग, DSLR फोटोग्राफी, करिश्मा एल्बम, साउंड और DJ ट्रॉलिंग, लाइट रिकॉर्डिंग एवं वीडियो मिक्सिंग भी किया जाता है। संपर्क करें बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा, कॉन्टैक्ट नंबर 9304520139। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता BMP 13 सोनगी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा, यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है, यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनगी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा।